हेलो इंजीनियर, जैसा कि आप देख रहे हो मैं फिर से लाइव हूँ अपने क्लासरूम से, यानी कि सिविल गुरुजी के कोलकाता ब्रांच से। जैसे आप सभी को पता है कि सिविल गुरुजी की कोलकाता ब्रांच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, तो आज हमारे इंजीनियर्स आए हैं। इंजीनियर्स ने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट हो गया है ना, जिसमें से इन्होंने यूनिट कन्वर्जन सीखा है, इन्होंने लेआउट करना सीखा है, टाउनशिप प्लॉट काटना सीखा है, सेंटर में रखना कॉलम को सीखा है, साथ ही साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी सीख ली है कि कैसे निकालते हैं बजट, कहाँ तक इन्होंने सीखा है, फुटिंग कंक्रीट तक। तो चलिए चलते हैं, हमारे इंजीनियर का प्रेजेंटेशन चल रहा है, सुबह के 9 बजे हैं और अभी हमारे इंजीनियर जस्ट आए हैं और प्रेजेंटेशन चल रहा है। तो चलिए चलते हैं टाइम न गवाते हुए क्लासरूम की तरफ। पर इसके पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम अभिलाष मिश्रा है और मैं कॉरपोरेट ट्रेनर हूँ सिविल गुरुजी के कोलकाता ब्रांच में। सो प्यारे से लोगों से अपन इंटर लेते हैं और जैसा कि आप देख रहे हो हमारे यहाँ ट्रेनी जो हैं वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो और कहाँ गए? अभी नहीं आए क्या इंजीनियर्स? अभी सब आए नहीं है ना, 3-4 लोग ही आए हैं। तो क्या कर रहे हो भाई? तो बस प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन दे रहा था सर। तो लाइव चल रहा है क्या सर? हाँ लाइव चल रहा, ठीक है, कोई इशू नहीं, ऐसे ही नॉर्मल ही है। ठीक है, तो ये बताओ कि क्या पढ़ा रहे हो आज, क्या सिखा रहे हो उन लोगों को? सर अभी हम लोग सेंटर लाइन और उसके बाद हम लोग ने टाउनशिप लेआउट किया था, प्लॉट कटिंग। अच्छा, टाउनशिप लेआउट में क्या करते हैं? टाउनशिप लेआउट में सर होता ये है कि हम लोग प्लॉट को कटिंग करते हैं। अच्छा, प्लॉट काटना, रोड। हाँ, रोड काटना। उसके बाद हम लोग ने सीखा सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होता है? सेंटर लाइन टू सर, सेंटर लाइन होता है कि आपका फुटिंग का जो पोजीशन है। अच्छा, वो पता चल जाता है सर, सेंटर पॉइंट पता चल जाता है। कुछ पूछते हो कि बस ऐसे चल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ पूछते हो ना, सही दे रहा है। अब हम लोग वो सेंटर लाइन कर लिया मैंने। अच्छा, अब हम लोग आज एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए पूरा एमबी बुक बना रहा हूँ। एमबी बुक मतलब एमबी बुक बन रहा है, प्रोसेस निकाल रहा हूँ, नीचे से लेके साइड क्लीनिंग से लेके और पूरा बजट लगने वाला। यस यस, ऐसे भाभी इंजीनियर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है सर, तो बिल्कुल स्टार्ट करें। यस सर, तो पहला हम लोग प्लॉट पे जाएंगे, जो भी प्लॉट है उस प्लॉट को पहले हम लोग, ये देखिए प्लॉट है यहाँ पे 3D मॉडल के हिसाब से। अच्छा है, तो हम लोग प्लॉट पे जाएंगे और पहले साइट क्लीनिंग करवाएंगे। क्यों साइट क्लीनिंग क्यों करना जरूरी है? सर साइट क्लीनिंग करना इसलिए जरूरी है कि हम लोग वहाँ जो वर्क करें हम लोग को बहुत आसानी हो, वर्क करने में बहुत आसानी हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हम लोग पहले साइट क्लीनिंग करवाते हैं और लेबलिंग करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा। साइट क्लीनिंग करवाने के लिए CPWD कहता है कि साइट क्लीनिंग 1 मीटर एक्स्ट्रा करवाओ। क्यों? जितना है सर, क्योंकि हम लोग का जो एक्स्ट्रा मतलब कोई भी अगर काम करे तो हम लोग आसानी से हो, मतलब इजली वे में हो। तो यदि नहीं कराओगे यार तो एक और डिसएडवांटेज है ना, लेबर कहाँ रखोगे? दूसरे के बाउंड्री में लेबर भी रखना है, लेबर भी रखना, मटेरियल भी रखना, सीमेंट भी रखना है, एग्रीगेट भी रखना। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे सर वो बुर्जी बनेगा हम लोग का, बुर्जी बनेगा उसको भी, अंडा वाली बुर्जी नहीं, अंडा वाली बुर्जी। नो सर, नो सर। अच्छा, बुर्जी वाली बुर्जी बताएंगे सर। तो जो साइट क्लीनिंग इसलिए ज्यादा करवाते हैं क्योंकि लेबर भी रहे ना। हाँ, लेबर काम कर सके वहाँ पे जाके अपना एग्रीगेट सेंड आएगा। फिर तुम साइट क्लीनिंग नहीं कराओगे तो क्या होगा? सैंड नीचे का बर्बाद हो जाएगा। यस सर, इसके बेहतर है थोड़ा साइड क्लीनिंग ज्यादा करवा लें। तो कितना कितना करवा रहे हो आप? अभी तो हम लोग 1 मीटर एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। अच्छा। अभी हम लोग का जो ड्राइंग है तो वो 17.8 क्या प्लॉट साइज है? प्लॉट साइज है और 17-800 है और एक 15-200 है, 12-500 है, 17-800 प्लॉट का साइज है, साइज है। और इस साइड 1 मीटर एक्स्ट्रा ले लूंगा। इसका पैसा कैसे मिलता है सर? स्क्वायर मीटर में एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से पैसा मिलता है कि आपने लेन और एक एक मीटर बढ़ाया। इसके एक्स्ट्रा सीट वगैरह भी बनाते हो क्या कुछ? मतलब यस सर, यस सर, यस सर, एमबी बुक बनाता हूं हम लोग। अच्छा, एमबी बुक कहां दिखा सकते हो? यस सर, मैं कैमरामैन से चाहूंगा इधर आए और यस सर, मैं तो एमबी बुक वहां पे किसी दूसरे के ले लो यार। एमबी बुक बनाए हैं, आ जाए कैमरामैन ना, आप देख पा रहे हो हमारे ट्रेनिंग एमबी बुक बनाए क्या है भाई? यस सर, एमबी बुक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, एमबी बुक है, इसमें एक्सप्लेन करो हमारे जो व्यूअर। सबसे पहला साइट क्लीनिंग, साइट क्लीनिंग हम लोग पूरा एक कराएंगे। एक, तो एक क्यों करा रहे हैं, तीन करा सकते थे क्या है सर? एक ही प्लॉट है सर। अच्छा, हम लोग का अच्छा एक ही प्लॉट है। ठीक है सर, एक प्लॉट है, उसका लेंथ क्या है वो 1-1 मीटर बढ़ा के। तो ए लिखे क्यों नहीं आप यहाँ पे? लिख दिया मैंने, यहाँ रिमार्क में इन्होंने लिखा है टेकिंग 1 मीटर एक्स्ट्रा ईच साइड। बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। तो आपका प्लॉट साइज कितना था? 17.8 प्लस 1 एक्सकैवेशन में भी हम लोग का एक
ये है सर, CPWD कहता है कि अगर 1.5 मीटर तक है, क्या 1.5 मीटर तक डेप्थ है, अगर एक्सेलरेशन करना है, एक्सेलरेशन करवाना है फुटिंग के लिए, अच्छा फुटिंग की डेप्थ, यस सर, तो हम लोग 300 mm ज्यादा लेंगे इस साइड। 300 क्यों लेना पड़ा सर? वहाँ पे जो हम लोग का शटरिंग लगेगा तो उसमें लेबर उतर के अच्छे से लगा सके। अच्छा, यस सर, अच्छा मॉडल सर दिखा सकते हो? यस सर, यस सर, यस सर, मॉडल में देखिए, मॉडल में आप है ना, तो क्या सिखा रहे थे आप हमें सर? हमने ये किया और सैंड फिलिंग PCC ए, हाँ यस सर, यस सर। अच्छा, ए मॉडल को थोड़ा बड़ा करते हैं हम ना, ए मतलब आपने जो ये किया एक्सेलरेशन जो गड्ढा, यस सर, ये वाला जो गड्ढा हुआ हम लोग का, ये एक्सेलरेशन, ये जो एक गड्ढा देख पा रहे हो, हमारे इंजीनियर ने गड्ढा भी कर दिया, ये किसी दूसरे एक जमीन में तो नहीं किए, नहीं सर, सब अपना ही है, दबाव है क्या? ठीक है, इन्होंने गड्ढा कर दिया है ना, तो गड्ढे का पैसा किसमें मिलता है, किसमें पैसा लिया सर? ये 100 क्यूबिक मीटर में मिलता है, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम होता है हम लोग, कैसे कैसे लियो, कितनी फुटिंग थी? अच्छा, आपके यहाँ पे फुटिंग है सर, हम यहाँ पे दो टाइप का फुटिंग है, F1 है, F2 है, तो F1 है हम लोग का 16, अच्छा। और F2 है 8 सर, मतलब ये ड्राइंग में काउंट करोगे? यस सर, ड्राइंग है, मेरी ड्राइंग सर यहीं पे है सर। अच्छा, आप देखो इनके पास ड्राइंग भी है और इसमें फुटिंग भी है ना, ये देखो बहुत शानदार ड्राइंग है, इनमें दो टाइप की फुटिंग है, F1 और F2 सर। F1 का साइज कितना? 1800x1800 और F2 का है 1500x1500, यहाँ से हमने काउंट कर लिया, यही से काउंट किया। यस सर, यस सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आगे आगे क्या करोगे सर? सर आगे, हाँ। आगे ये मेरा फुटिंग, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन कंप्लीट, हाँ। उसके बाद अब सैंड फिलिंग होगा। इसका पैसा कैसे लोगे आप? वॉल्यूम में लेंगे। कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाइट, हाइट कितना होगी? अब 1.5 मीटर। कैसे पता चला? सर यहाँ पे ड्राइंग में है सर। लेंथ ब्रिथ कितनी होगी? लेंथ ब्रिथ भी फुटिंग साइड हाइट में है। शानदार, देखो सर ने बताया कि ड्राइंग में तो सब कुछ दिया है ना सर। यस सर, सर देखो इधर, आप लोग भी कभी भी यदि एक्सेलरेशन का पैसा ले रहे हो तो किसमें लेते हैं? वॉल्यूम में लेते हैं। कैसे? लेंथ ब्रिथ, ये देखो लेंथ ब्रिथ मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा? ड्राइंग में मिल जाएगा, फुटिंग लेआउट प्लान में मिल जाएगा। हमने लिया लेंथ और ब्रिथ, ठीक है, लेंथ ब्रिथ सेम है अभी 1800। हाइट कैसे मिलेगी? डेप्थ, डेप्थ दिया हुआ है सर, ए दिया है डेप्थ 1500। तो आप कुछ बता रहे थे CPWD के नॉर्म्स, क्या बता रहे थे? CPWD का जो नॉर्म्स है जो कि अगर 1.5 मीटर तक डेप्थ रहेगा तो हम लोग 300 mm चारों तरफ इस साइड बढ़ा लेंगे। और इससे ज्यादा हो गया तो सर, उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग 0.75 मीटर लेते हैं। कहाँ इसकी एक्सल? यहाँ पे एक्सल सर, देखो इधर कैमरामैन से चाहूंगा। अब इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा है एक्सेलरेशन, कितनी फुटिंग है? दो फुटिंग, F2। 16-8 कहाँ से आया सर? वहाँ पे मैं काउंट कर लिया, F1 कितना है, F2.4 कैसे आया सर? वो उसका लेंथ है। किसका लेंथ सर? वो है 1.8 लेंथ और चारों सर 300 ऐड करूंगा। क्या सर? वो CPWD का नॉर्म बोलता है कि नॉर्म्स है, वो बोलता है कि एक्स्ट्रा हम लोग को जगह चाहिए सर, जब 1.5 मीटर देखो। अच्छा, तो हम तो ऐसे देखे ठेकेदार छोड़ते ही नहीं यार। वो तो सर ठेकेदार की गलती क्या है, बोलना चाहोगे आप इनको सर? तो ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने ले लिया 2.2 और इसके बाद 1.5, बहुत शानदार। टोटल कितना मिट्टी आपकी निकली? 191.16 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आपने अपने गड्ढा भी करवाया, गड्ढा हो ठीक है। अब इसके बाद क्या करवाएंगे सर नेक्स्ट? इसके बाद हम लोग सर वो लेबर रख के बोल तो क्लीनिंग करवा लेंगे हल्का हल्का। जो क्या सर, JCB तो हैवी ड्राइवर है ना। अच्छा, वो तो पूरा खोद खाद के चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो उसको फिर ड्रेसिंग करवाना होता है, ड्रेसिंग करवाना, लेबर से ड्रेसिंग करके ड्रेसिंग करवाना। तो पैसा इसी में इंक्लूड होता है? यस सर, यस सर, सब कुछ इसी में इंक्लूड होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार सर। उसके बाद अब हम लोग सेकंड स्टेप पे की सैंड फिलिंग करवाएंगे। सैंड फिलिंग, यस सर। फिलिंग का मॉडल है ना आपके पास? यस सर। ठीक है, मॉडल में जाते हैं अपन। ये देखो फुटिंग है और इसमें क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। यस सर, सैंड फिलिंग है पहले, ये है साइड, ये सर यहाँ पे साइड फिलिंग। मैं चाहूंगा कैमरामैन से, ये देखो साइड फिलिंग। यस सर, 100 mm कितना करते हैं? 100 mm 100 mm करते हैं, फिक्स है क्या? नहीं सर, ये तो ड्राइंग में दिया रहेगा। अच्छा, ड्राइंग में दिया, वैसे 100 mm से लेके 200 mm, 4 इंच से लेके 8 इंच करते हैं, बहुत शानदार। साइड फिलिंग क्यों करते हैं सर? सर साइड फिलिंग इसलिए करते हैं कि अगर उसके ऊपर जो PCC और फुटिंग होगा मेरा, तो वो सर नीचे मतलब उससे जो वो मतलब स्टेबल हो, स्टेबल के लिए तो मार्च वो करते हैं PCC। हाँ, सैंड फिलिंग क्यों करते हैं? तो सैंड फिलिंग करते हैं सर ये, हाँ मुझे याद आ गया, ये जो यहाँ पे जो सैंड होता है ना, हाँ, यहाँ पे वो जो दीमक होता है ना वो खा जाता है, तो वो होलो हो जाता है। अच्छा, तो वो सैंड वो स्टेबल कर देता है, वहाँ पे जाके भर जाता है। अच्छा सर, मैंने चीज देखा, कहीं ठेकेदार करते ही नहीं यार सैंड फिलिंग। यस सर, सैंड फिलिंग बहुत कम करते हैं ठेकेदार लोग। पर सैंड फिलिंग क्यों जरूरी है बताओ? जो सर सैंड फिलिंग सर बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका अगर इन फ्यूचर यहाँ पे कोई रूट आ जाए
यहाँ पे कोई रूट आ जाए कोई पेड़ का, अच्छा, और तो ये यहाँ पे क्रैकिंग आएगा, तो ये जो है ना सैंड वो अपने से वहाँ पे मिलके एक मतलब वो सरफेस बना देगा, इक्वल सरफेस। बिल्कुल, इसके जैसे सर ने बोला कि भाई रूट वगैरह आ जाए वो क्रैक्स भी बचाता है, दूसरी बात क्या होता है माइनर वाइब्रेशन, आप लोग भी करवा लो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा तो भी बचेगा, है ना। इसके करवा साथ ही साथ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का भी काम करता है, ये भी जरूरी है। और तीसरा चीज जो पीसीसी डालेंगे उसमें पानी है, yes, है ना, उसको भी बाटा सीमेंट रेशियो भी रिसीट करता है, कई रीजन होते हैं। तो सैंड फिलिंग कितना किया सर आप? 100 mm। 100 mm इसका पैसा किस में लोगे सर? वॉल्यूम में, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ और हाइट। हाइट बहुत शानदार, बहुत शानदार। फिर इसके बाद सर हम लोग पीसीसी करेंगे। पीसीसी क्यों करते हैं सर? पीसीसी करते हैं कि जो हम लोग का फुटिंग होगा, अच्छा, वो डायरेक्ट टच नहीं हो जाए जमीन से और मॉइस्चर से, इसलिए करते हैं। होता, दूसरा होता हार्ड स्टेटा प्रोवाइड करना। हार्ड स्टेटा भी तो प्रोवाइड करता है, इसलिए हम करते हैं फुटिंग। बहुत शानदार, आगे चलेंगे हम। यस सर, ना इसके बाद क्या सर? ये फुटिंग देख रहे हैं हम लोग, फुटिंग देख रहे हैं सर। हाँ, तो फुटिंग में सैंड फिलिंग पीसीसी सब कर लिया। यस सर, अब इसके बाद क्या करना? अब उसके बाद फुटिंग का जो है कि कास्टिंग करवाना है, फुटिंग का कंक्रीटिंग करवाना, कंक्रीटिंग करवाना है। फुटिंग कंक्रीट का पैसा कैसे मिलेगा? वॉल्यूम, क्यूबिक वॉल्यूम में। कौन सी फुटिंग डलवा रहे हो तुम? अभी हम लोग फुटिंग डलवा रहे हैं। तुम अपने ड्राइंग में कौन सी फुटिंग डलवा रहे हो? ट्रैपेजोइडल, ट्रैपेजोइडल। यस सर, अच्छा स्लोप फुटिंग क्यों डलवाते हैं, दूसरा क्यों नहीं डलवाते? ये सर बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देता है सर, और जो लोड होता है ना सर डिस्ट्रीब्यूट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें जो पंचिंग शेयर फेलियर होते हैं ना उसके जो चांसेस है ना कितने हो जाते हैं? माइनर हो जाते हैं। बहुत शानदार, एक क्या लगा सर? ये सर इकोनॉमिकल भी होता है, बहुत शानदार। ये सर सेटरिंग है, उसको सेटरिंग, उसको कास्टिंग करने के लिए, अच्छा कंक्रीटिंग करने के लिए सेटरिंग का पैसा। ये मान लो ठेकेदार सेटरिंग इतना ना लगा के 1800 था, ठेकेदार ने 2400 सेटरिंग लगा दी, क्या पैसा दोगे तुम? नो सर। कितना पैसा दोगे? 1800 का दूंगा। जितना कॉन्ट्रैक्ट सरफेस एरिया है, क्या बोलता है? जितना कॉन्ट्रैक्ट सरफेस एरिया, जितना हमारे कंक्रीट में चिपकी हुई है, भाई साहब हम उसी का पैसा देंगे। आप लोग भी जितने देख रहे हो घर बनवा रहे हो, ठेकेदार बोले ना साहब मेरा गरीब आदमी हूं साहब बर्बाद हो जाऊंगा, बोला भैया तुम्हारी गलती, मैंने बोला था सेटिंग, वो गरीब नहीं है भाई साहब, वो सेटिंग बचा रहे हैं, क्योंकि एक सेटिंग आपस काट देते उसका नुकसान हो जाता, इसलिए भाई साहब ने लगानी इतनी सेटिंग थी, पर भाई साहब ने और बढ़ा दिया, तो मैं क्यों पैसा दूंगा? सीपीडब्ल्यूडी पैसा नहीं देता, सीपीडब्ल्यूडी बोलता है जितना कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है उसके पैसा देता है क्या? बहुत शानदार। तो सेटिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट आप लोग को भी पूछना है यार, हमें भी पूछेंगे क्या सेटिंग का मोड ऑफ मेजरमेंट? सर स्क्वायर मीटर में। क्या स्क्वायर मीटर में? क्यों सर? इसका जो थिकनेस होता है सर, सर नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल, यस सर, नेग्लिजिबल होता है। सीपीडब्ल्यूडी क्या बोलता है कि यदि आपका एक डायमेंशन फिक्स हो या नेग्लिजिबल हो तो उस कंडीशन में जो मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? मोड ऑफ एरिया, स्क्वायर मीटर, इसका जो भी आप ले लो। ठीक है यार, मार्कर ले लो। ठीक है, ले लिए। तो इसका भी तो सेटिंग निकालना, कैसे निकालोगे बताओ सर? इसका पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है बताओ? उनको नहीं पता भैया, जो घर बनवा रहे हैं बेचारे उनको बताना पड़ेगा पैरामीटर क्या होता है। सर पैरामीटर होता है लेंथ इनटू, मतलब चारों साइड हमने ऐड कर दिया। यस सर, चारों साइड निकाल लिया और हाइट, हाइट बस सेटिंग निकाल सेटिंग एरिया। यस ना, बहुत शानदार है। तो मतलब आप लोग भी घर बनवा रहे हो ना तो आप लोग को माइंड लगाना है, बोलना ठेकेदार साहब को मैं बताता हूँ ये चारों साइड ऐड कर लो और इतना उठा, जितना उठा हुआ हाइट तक बस इंटू कर दो, पता चल जाएगा इतना पैसा ठेकेदार को देना है, देना है ना। तो ठेकेदार क्या क्या बदमाशी करते हैं हमारे भाई साहब? एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा लगा देते हैं, बोलते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं। मेरे बीवी बच्चे हैं, बोले भैया क्या करूं मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं ना, ये चीज देखना बहुत शानदार। इसके बाद सर? इसके बाद हम लोग कंक्रीट, कंक्रीट का वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ पे, क्या फुटिंग का? अच्छा, यस सर, ए हुआ। यस सर, ये वाला ए फुटिंग बनी है। यस सर, फुटिंग, फुटिंग का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। अच्छा, कौन सी फुटिंग आपने बोला था? ट्रैपेजोइडल, ट्रैपेजोइडल फुटिंग। यस सर, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम निकलेगा सर पहले नीचे वाला जो जो रेक्टेंगुलर, दो पार्ट से मिलते बनाए सर। एक सर है रेक्टेंगुलर, कहाँ है क्यों, ये वाला नीचे वाला रेक्टेंगुलर पार्ट, ये वाला, ये तो पीसीसी हो गई। यही सर, हाँ, और ऊपर हो गया सर ये ट्रैपेजोइडल, ट्रैपेजोइडल। तो इन दोनों का वॉल्यूम मेरी टोटल निकालना, तो दोनों को अलग अलग निकाल अलग। यस सर, यस सर। तो रेक्टेंगुलर का कैसे निकलेगा वॉल्यूम सर? वो तो लेंथ इन ब्रेथ इन टू हाइट, पता लेंथ इन ब्रेथ, पर ट्रैपेजोइडल का कैसे निकलेगा सर? उसका एक फॉर्मूला होता है, हाँ, डी बाई थ्री, हाँ, ए,
ए वन इंटू ए टू अंडर रूट प्लस रूट ऑफ ए वन इंटू ए टू। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ए वन ए टू क्या है सर, समझ नहीं पाए हमारे जो और भी देख रहे हैं आपको। सर ए ए वन जो होता है ये अपर सरफेस एरिया होता है। नहीं ए वन होता कि ए टू होता हो, वो ए टू होता है सर। ए टू होता है, हाँ, ए टू अपर सरफेस एरिया, और ए वन होता है जो ये लोअर सरफेस एरिया। मतलब एक जो नीचे वाला हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं उसका एक सरफेस एरिया होगा ना, उसी को बोलते हैं ए टू ए वन। आप लोग भी पूछते सर, पूछ सकते हो जो भी। यस सर बिल्कुल, यस सर। और मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा सर इसका, इनसे भी पूछने दो। यस सर, उनके माइंड में कोई डाउट तो नहीं? किसी के माइंड में डाउट है कोई डाउट? टेबल टेबल के साइज है या फुटिंग का साइज है? हां ए वन ए वन ए वन जो है ना वो फुटिंग का साइज है, फुटिंग का साइज है, ठीक है ना। और ए टू जो होगा वो हम लोग का कॉलम का साइज नहीं होगा, वो कॉलम से जो एक्स्ट्रा होगा, वहाँ पे शटरिंग भी लगाना है ना हम लोग को। अच्छा, तो वो दिया रहेगा। कितना बढ़ाते हैं वहाँ पे सर? 100 या ऐसा कुछ। फुटिंग का साइज नहीं है, ए1 वो रेक्टेंगल पोर्शन है उसका एरिया है। तो फुटिंग ही का साइज हुआ, नीचे भी तो वही तो होगा। फुटिंग पूरा हो गया, ठीक है। फुटिंग का भी एरिया है, फुटिंग भी देखो यहाँ भी तो फुटिंग ही है ना। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आपकी भावनाओं का इज्जत देता हूँ। यस सर। और सर हाँ हाँ, और हम लोग ये जो लेते हैं ना, ये क्या चीज है यार, बार बार देख रहे हो, ये क्या है? ये हम लोग का सर एक मैनुअल है। अच्छा, हम लोग इसी से पढ़ रहे हैं आज। हमारा इतिहास है। यस सर। किसी इंटरव्यू में जाके यही दिखाओगे क्या? हाँ सर। क्या बात है, आप देख रहे हो सिंह गुरु जी में मैनुअल भी मिल रहा है, मैनुअल हर चीज का। आप प्रॉपर नोट्स बनाते जा रहे हो ना, साथ ही साथ एमडी बुक जो कि आपको गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है, गवर्नमेंट इंजीनियर होता है उनको मिलती है। आपके साइड में भी एक एस्टिमेशन और प्लानिंग का काम करता है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो और क्या, इसको क्या बोलते हैं जो कॉलम है? ये सर हम लोग पेडिस्टल कॉलम बोलते हैं। पेडिस्टल कॉलम बोलते हैं। इसकी कंक्रीट कैसे निकालेंगे? ये पेडिस्टल कॉलम होता है सर ग्राउंड लेवल तक। अच्छा, एनसीआर तक। एनसीआर नेचुरल एनजीआर। यस सर, नेचुरल ग्राउंड लेवल तक वो होता है पेडिस्टल कॉलम इसका। सर इजली है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, और हाइट जो होगा तो ये हाइट हम लोग का हाइट निकालना है। लेंथ इनटू ब्रेथ तो मालूम है। कंक्रीट का पैसा कितने स्क्वायर फीट होगा? कंक्रीट का पैसा जो निकालोगे स्क्वायर फीट में नहीं होगा सर, वॉल्यूम में होगा। अरे सॉरी सॉरी, वॉल्यूम में। हां यस, वॉल्यूम में। तो कैसे निकालोगे? यस सर, वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ और शटरिंग बोलूं तो? शटरिंग तो सर वो पेरिमीटर। कैसे सर? इसका लेंथ, हां इसका लेंथ, और ये वाला ब्रेथ, और इनटू 2 कर देंगे दोनों साइड का, और हाइट जोड़ देंगे। बहुत शानदार, जोरदार ताली हो जाए। सरफेस एरिया जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि हमारे ट्रेनी ने क्या चार प्रेजेंटेशन दिया है, और डेली प्रेजेंटेशन होता है, डेली प्रेजेंटेशन होता है ना। और ये प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है सर? प्रेजेंटेशन ही जरूरी है क्योंकि हम लोग को जहाँ पे हम लोग जाएंगे उसको प्रेजेंट ही करना होता है। अच्छा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन जरूरी है सर। मतलब किसी ने कह दिया है, किसी ने नहीं, हम ही ने कहा है कि जो दिखता है ना मार्केट में वही बिकता है, वही बिकता है। आपसे कितना आता है मायने नहीं रखता, मायने रखता आप 10 मिनट के इंटरव्यू में कितना दिखा पाते हो। क्योंकि 10 मिनट के इंटरव्यू में वो कैसे जज करता है कितनी सैलरी देना है, हमारे लेवल का कि नहीं है? वो यही देखता है कि कॉन्फिडेंट है ना बंदे में, कर लेगा ना, जुनून है ना साला, जुनूनी है कि नहीं जुनूनी है ना, वही है। तो मैं आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहूंगा, कैसा कैसे सिस्टम लगा सिविल गुरु जी का? सर बहुत शानदार है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिजिकल में फायदा है कि नुकसान है समीर? फायदा है सर। क्यों? क्योंकि हमें फिजिकल प्रैक्टिकल और डिजिटल दोनों का सपोर्ट मिलता है। अच्छा, क्योंकि आपको इसमें कहीं ना कहीं कितने ट्रेनर का सपोर्ट मिल रहा है? दोस्त सर ट्रेनर और मॉडल जो है ना सर डिजिटल में वो सबसे ज्यादा हम लोग को हेल्पफुल है कि पूरे मॉडल से हम लोग समझते हैं। मतलब बिल्डिंग ना जाके हम, बिल्डिंग हमारे टीवी में है भाई साहब पूरी, है ना। तो बिल्डिंग यहाँ देख लिए, और साथ ही साथ आपको दो दो ट्रेनर का वहाँ सर भी पढ़ाए, और यहाँ मैं भी, आप लोग का जो भी हुआ है ना। तो इसमें डाउट रहते हैं क्या कुछ? नो सर एकदम। अब क्या लग रहा है ईमानदारी से? चार दिन पांच दिन की क्लास हो रही, तीन चार दिन की, क्या लग रहा है कल लोगे लाइफ में कुछ निकवाड़ पाओगे? सर कवाड़ लेंगे, अब तो छीन के लेना है जॉब। जॉब छीन के लेना है? यस सर। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सिविल गुरु जी जॉब नहीं दिलाता, उनको क्या बोलोगे? सर सिविल गुरु जी जॉब नहीं दिलाता है, खुद को खुद जॉब लेना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है, सिविल जी लायक बना देता है। हमारा ये न्यू चैनल है, इसको जरूर सपोर्ट करें आप। साथ ही साथ आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं, आप लोग भी अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, आप लोग भी अपनी स्वयं की कंपनी खोलना चाहते हैं, आप लोग भी एमएनसी जैसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, मनचाही कंपनी में, यदि आप भी फ्रेशर हो, आपको भी लोग बोलते हैं, ताने मारते हैं, आप भी नहीं झेल पा रहे हो, है ना, तो आपके लिए ही गुरु जी हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे काउंसलर टीम को कॉल करना। हमारे काउंसलर टीम का नंबर है 9111001234। एक बार मैं जब डबल से रिपीट कर देता हूँ, हमारे काउंसलर टीम का नंबर है
1111-0012-34 इस नंबर पे कॉल करें। जो भी डाउट है करियर के रिलेटेड, मैं नहीं बोला यहाँ आओ ट्रेनिंग लो, कहीं से भी ट्रेनिंग लो, सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तो जीवन में मजे नहीं है, तो सीखना जरूरी है, कहीं से भी सीखो। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो घंटी दिख रही है लाल वाली, वो रेड कलर है, हमें अच्छा नहीं लगता, फोड़ डालो उसको, खेलो कूदो हमें नहीं पता, है ना, वो दबा दो उसको, एक किनारे रख दो। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि उनको भी तो पता चले कि गुरुजी कोलकाता में भी आ गई है और भाइयों बंगाली सिखा देना। सो गाइज, टाइम ना गवाते हुए इस वीडियो को यहीं पास एंड करना चाहूँगा एक प्यारे से स्लोगन के साथ। हो जाए क्या करना है खास, चलो हमारे साथ, सिविल की बात गुरु जी के साथ। सो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स।